टुडे स्टार्ट क्लास 6 कंप्यूटर चैप्टर द फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग इन वर्ड। चैप्टर नेम है द फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग इन वर्ड। वर्ड के डॉक्यूमेंट को कैसे हम फॉर्मेट करेंगे और कैसे हम प्रिंट करेंगे। अगर हमने एमएस वर्ड एप्लीकेशन में कोई एप्लीकेशन ड्रा किया तो उसको हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेटिंग क्या होती है और उसकी हम प्रिंटर से प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग कैसे करेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे द फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग इन वर्ड। तो फॉर्मेटिंग क्या होती है, व्हाट इज अ फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड कंट्रोलिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड कंट्रोलिंग द लुक्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। जो हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर हमने कुछ लिखा है एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड एप्लीकेशन में, तो हम कोई फॉन्ट की साइज को चेंज करते हैं, फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है, इसी प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड कंट्रोलिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड कंट्रोलिंग द लुक कैसा दिख रहा है, द लुक ऑफ डॉक्यूमेंट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। समझ में आया, फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इंक्लूड द, क्या क्या इंक्लूड होता है फॉर्मेटिंग में, चेंजिंग द साइज, साइज हम फॉन्ट की साइज को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, एंड उसके स्टाइल आप लेटर को चेंज कर सकते हैं, मेकिंग द सम टेक्स्ट बिगर और वाटर कर सकते हैं, एडजस्टिंग द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, हर लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, उसको हम क्या कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट की चेंजिंग कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में हमारा कितना होना चाहिए, राइट साइड में कितनी मार्जिन छूटनी चाहिए, सेंटर में होना चाहिए या जस्टिफाई होना चाहिए, ये सब हम चेंजिंग ऑफ अलाइनमेंट में हम फॉर्मेटिंग के अंदर कर सकते हैं, यानी चेंजिंग द पेज मार्जिन ईटीसी, यानी ये सब फॉर्मेटिंग हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, स्टाइलिश कर सकते हैं अपने फॉन्ट को। थ्री टाइप्स ऑफ इसमें दिया गया है द फॉर्मेटिंग इन वर्ड इन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, जो फॉर्मेटिंग है वो तीन भागों में डिवाइड की गई है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड पेज फॉर्मेटिंग। तीन प्रकार की फॉर्मेटिंग आपको डिवाइड की गई है इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कितने प्रकार की फॉर्मेटिंग डिवाइड की गई है, थ्री टाइप्स। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, यानी हम एक एक कैरेक्टर को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, एक कैरेक्टर को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अगर हमको करना है तो हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी पूरे पैराग्राफ को हमको फॉर्मेट करना है एक साथ, तो हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, एक एक पैराग्राफ को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। पेज फॉर्मेटिंग, यानी पूरे एक एक पेज को अगर हमको फॉर्मेट करना है, एक पेज पे कितने वर्ड आने चाहिए, कितने लेफ्ट साइड में मार्जिन छूटनी चाहिए, राइट में कितनी छूटनी चाहिए, टॉप पे कितना छूटना चाहिए, बॉटम पे कितना छूटना चाहिए, ये फॉर्मेटिंग भी हम पेज फॉर्मेटिंग के अंदर कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग तीन भागों में डिवाइड किया गया है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड पेज फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आते हैं, यानी टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट्स इंक्लूड द चेंजिंग ऑफ फॉन्ट टाइप, साइज, कलर ऑफ द टेक्स्ट, मेकिंग द बोल्ड, इटैलिक, अंडर लाइन, यानी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर हम एक एक कैरेक्टर को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। हाउ कैन वी चेंज द फॉन्ट स्टाइल,